स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत जनपद में संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह व स्वच्छता मिशन से जुड़े संबंधित अधिकारी और खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव में बनने वाले शौचालय, पंचायत भवन और गोवर्धन योजना के तहत हरिहरपुर गाँव के गौशाला में बनाए जाने वाले बायोगैस प्लांट के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्माणाधीन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, जिसके संबंध में CDO इंद्रजीत सिंह ने कहा कि विकास कार्यों के लिए कोई धन की कमी नहीं है, निर्माणाधीन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। निर्माण भी कराया गया या अन्य मद में भी खर्च हो गया है, तो उस मद में अगर वो बुकिंग हो गई है तो दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ ये पैसा SLG को भुगतान नहीं हुआ होगा। निश्चित रूप से ये कहीं कहीं मटेरियल पर या अन्य जगहों पर खर्च, लेकिन इसको देवरिया का प्रकरण था जनपद का कि 4 SLG को पेमेंट हुआ था और वो लगभग 2.5-3 लाख रुपए के आसपास भुगतान देते हैं, 1,08,000 रुपये एक साल का, 44,443 नोट करिए, नोट करो, बस चेक करके कंफर्म कर लेगा। मैं बता रहा हूँ, यही संभावना है कि वो वास्तव में भुगतान SLG को नहीं हुआ होगा। तीन महीने का बुक हो गया होगा। और आज वो खुला भी गया है कि व्यक्ति को आयकर की गलत बात है, सचिव महिला भी है।